गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सुशील कुमार सिंह, योर केमिस्ट्री फैकल्टी. सो टुडे नवजोत सर, आई एम गोइंग टू टीच ऑल ऑफ यू डियर द कैनिजारो रिएक्शंस. आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कैनिजारो रिएक्शंस. राइट, कैनिजारो रिएक्शंस. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैनिजारो रिएक्शंस, पहली चीज हमारा देंगे कौन, कौन से ऐसे मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कैनिजारो रिएक्शंस देते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे, है ना, कौन से ऐसे मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कैनिजारो रिएक्शंस देते हैं. तो बेसिकली कैनिजारो रिएक्शंस आर गिवन बाई द एल्डिहाइड्स. और कौन से एल्डिहाइड्स? द एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, है ना. ये एक जनरल रूल है. तो हम यहाँ पे जनरली हम कह क्या सकते हैं कि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, है ना. मीन्स विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन, विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन, इनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो हमारे क्या देते हैं? कैनिजारो रिएक्शन देते हैं, है ना. दे विल गिव्स द कैनिजारो रिएक्शन. राइट, ये हमने एक जनरल कंडीशंस बताया. हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन जनरल कंडीशंस. राइट, ऐसा नहीं है कि जितने भी एल्डिहाइड है उनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो ही नहीं. दिस इज द जनरल कंडीशन. सो लेट अस जस्ट ऑल ऑफ अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट बेसिकली होता क्या है ना. तो जैसे हम कैनिजारो रिएक्शंस की बात करते हैं, सुनते जाइएगा, है ना. जब हम कैनिजारो रिएक्शंस की बात करते हैं, सो लेट अस जस्ट ऑल ऑफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट. जैसे हमने लिखा, देखो ये एल्डिहाइड लिया, मैं आपसे पूछूं कैसे एल्डिहाइड्स के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप क्या बोलोगे? नो अल्फा हाइड्रोजन. आप क्या बोलोगे? दे वन हैव नो अल्फा हाइड्रोजन. आप क्या बोलोगे? इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. क्या इतनी मेरी बातें समझ में आ रही? आल आपको पार्ट, है ना, कहोगे कोई अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है. इतनी चीजें समझ में आ रही है? राइट, इसमें हमारे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. तो बेसिकली ये होता क्या है, ये हमारा देता है इन्हें प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड, प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड, एक मिनट बेटा, व्हाट्सएप पर. या राइट, ये हमारा देता है द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH. ये हमारा किस में देता है? इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH, है ना. ये जो कंसंट्रेटेड NaOH, या मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ले लूँ, या मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लूँ, या प्राक्सिस का जो हम कंसंट्रेशन लेते हैं वो 50% के आसपास लेते हैं. या प्राक्सिन का हम कंसंट्रेशन कितना लेते हैं? 50% के आसपास. राइट राइट, तो हमारा बनाता है क्या है? इट विल फॉर्म हियर HC डबल बॉन्ड O Na+. हाँ, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा जो हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है. जब हम रिएक्शंस की बात करते हैं, इस हम रिएक्शंस की बात करते हैं, देखो ये मेरी क्या थी, ये हमारी थी एल्डिहाइड थी, और यही एल्डिहाइड्स क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यही एल्डिहाइड रिड्यूस हो रहा है. मैं बात करूँ, ये एल्डिहाइड्स मेरी इधर क्या है? दिस इज ऑक्सीडाइजेस. राइट, ये एल्डिहाइड मेरी इधर क्या हो रही है? ऑक्सीडाइज हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी. और इधर आपका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. राइट, तो आप सब जानते हैं कि जो मतलब कोई भी ऐसी रिएक्शन हो जिसमें एक ही मॉलिक्यूल्स में का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन. उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन. तो है ना, जैसे कि ये, तो इसे हम लिख सकते हैं, चूंकि एक ही मालिक मतलब एक ही मालिक्यूल का मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा शेल्फ कैनिजारो, शेल्फ कैनिजारो रिएक्शन, शेल्फ कैनिजारो रिएक्शंस इज ये डिश प्रो पोर्शियोनेट. राइट, जो मेरी शेल्फ कैनिजारो रिएक्शंस होती है, ये मेरी क्या है? सेल्फ डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शंस है. इतनी चीजें समझ में आ रही है? हाँ, होप दैट ऑल ऑफ यू गॉट इट. चलिए एक रिएक्शन में और लिख रहा हूँ. जैसे हमने लिखा फिनाइल CHO, देखो हमने लिखा फिनाइल CHO. फिनाइल CHO का मतलब बेंजल्डिहाइड, आप समझते हैं, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. इसे भी मैं कंसंट्रेटेड NaOH, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शंस कराता हूँ, तो ये क्या बनाएगा? फिनाइल C डबल बॉन्ड O Na+ फिनाइल CH2OH. अच्छा, तो ये इतनी चीजें तो समझ में आती है. सो नाउ लेट अस जस्ट ऑल ऑफ अस गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिकली व्हाट इज द मैकेनिज्म. जो हमारे लिए इसकी मैकेनिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है. तो हम बात करने जा रहे हैं मैकेनिज्म, विच वन आर मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस. राइट, हम करने जा रहे हैं बात मैकेनिज्म की. राइट, तो ये जब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, राइट,
चलिए हम इनके मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखो होता है क्या मैकेनिज्म में, सबसे पहले हमारे पास जो भी एल्डिहाइड थी बिना अल्फा हाइड्रोजन वाली, जैसे हमने देखो ये मेरी फॉर्मल्डिहाइड थी, राइट। अब हमारा क्या होता है, हमने बेस लिया था हाइड्रॉक्साइड साइन, हमने बेस क्या लिया था हाइड्रॉक्साइड साइन, हमने बेस क्या लिया था कंसंट्रेट, हमने लिया था कंसंट्रेटेड एनएएच, कंसंट्रेटेड एनएएच, राइट। तो होगा क्या, ये मेरा यहाँ पे बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये मेरा कैसा बिहेव करेगा, ये मेरा बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये जो हाइड्रॉक्साइड साइन था ये आपका बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, इट विल बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा कैसा बिहेव कर रहा है, इट विल बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो ये मेरा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहलाएगा, आप सबके समझ में आ रहा है, दिस इज प्रोनाउंस एज योर हार्ट, दिस इज प्रोनाउंस एज योर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, तो यहाँ पे अटैक करेगा ये, राइट। तो जब अटैक करेगा तो बनेगा कि मेरा ये एच सी ओ माइनस एच और ओ एच, राइट। इतनी चीजें समझ में आ रही है। अच्छा जैसे ये बना तो आप सब जानते हैं कि जो माइनस आई है, ये हमने जो ओ पे माइनस लिखा हुआ है, ओ पे जो हमने माइनस लिखा हुआ है ना, इसका अपना क्या है, मैं इधर इसकी बात करता हूँ इसकी, तो इसका क्या बहुत स्ट्रांग क्या होगा प्लस आई इफेक्ट, तो इसका बहुत ज्यादा प्लस आई स्ट्रांग प्लस आई इफेक्ट होगा, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर बढ़ाने की कोशिश करेगा। इतनी चीजें समझ में आ रही नहीं, ये क्या करेगा, इधर इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। इतनी बातें क्या समझ में आ रही है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये मेरा स्टेप फर्स्ट था, दिस इज अवर स्टेप फर्स्ट, दिस इज योर स्टेप फर्स्ट। अब हम बात करते हैं स्टेप सेकंड की, तो स्टेप सेकंड में क्या होने वाला है, चीजों को समझिएगा। हमने आपसे क्या बताया था, हमने आपसे कहा ये जो मेरा बना हुआ है ना, ये जो बना हुआ आपका, राइट, ये क्या करेगा, हमने आपसे कहा इसका क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, बहुत तगड़ा प्लस आई इफेक्ट होगा, यानी कि ये क्या है प्लस आई इफेक्ट, इसका बड़ा स्ट्रांग है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे पुल कर रहा होगा, तो जो दूसरा मेरा मालिक्यूल था, इसी का जो सेम मालिक्यूल हमने जैसे लिया था, जैसे हमारे पास एक ही सेल था, तो हमने लिखा एच सी एच ओ लिखा था, तो देखो यहाँ पे होता क्या है, चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से ये पुल करेगा इस पे, तो क्या होता है, एक फिनामिना होती है जिसे हम कहते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर। देखो ये हाइड्राइड यहाँ पे आ जाएगा, राइट, इसे हम कहते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर, इसे हम क्या कहते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर। तो रिजल्टेंट होगा क्या हमारा, ये जो बन के आ जाएगा, देखो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, तो एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस एच सी ओ माइनस एच ओ एच, ये मेरी थी स्टेप सेकंड। स्टेप थर्ड की जो इसमें रिएक्शंस हो रही है, स्टेप थर्ड की रिएक्शंस कुछ नहीं है, स्टेप थर्ड हमारी इन दोनों के बीच में एसिड्स और बेस रिएक्शंस होगा, क्या होगा, एसिड्स और बेस का रिएक्शंस होगा। देखो हाँ, आप मुझे बताइएगा, यदि मैं कहूँ फार्मिक एसिड्स और अल्कोहल में से कौन ज्यादा एसिडिक है, तो आप कहोगे, आप कहोगे हमारा जो एसिडिक सबसे ज्यादा है वो क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि फार्मिक एसिड्स है ना। यहाँ से बेसिकली ये क्या, ये यहाँ से ट्रांसफर्स हो जाएगा, यहाँ पे ये रिएक्शंस मेरी कहलाएगी एसिड्स और बेस रिएक्शंस, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एच सी ओ ओ माइनस प्लस, यहाँ पे जाएगा तो ये बन क्या जाएगा सी एच थ्री ओ एच, राइट। अल्टीमेटली ये मेरा शॉर्ट में ये तो आपको समझ में आता है ना, आपने सोडियम लिया था तो एच सी डबल वांडो, ये आपका शॉर्ट में कन्वर्ट हो, राइट। तो इसमें जो पहली मेरी रिएक्शंस थी, चीजों को समझिएगा, जो हमारी पहली रिएक्शंस थी, पहली रिएक्शंस बोले तो क्या, जिसमें हमारे पहले सॉरी पहली रिएक्शंस में करूँ, जिसमें हमारा हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा था, ये जो हाइड्राइड ट्रांसफर वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन, ये हमारी कहलाती है स्लोएस्ट स्टेप, इसका यही है स्लोएस्ट स्टेप वाली रिएक्शन, यही है, तो इट इज द स्लोएस्ट स्टेप रिएक्शन, तो इसे हम क्या बोलेंगे, यही इसी को हम कहेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसी को हम क्या कहेंगे आरडीएस, सो दिस इज कॉल्ड अवर आरडीएस, आरडीएस दिस इज कॉल्ड अवर आरडीएस। तो मैं आपसे कहूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स वाली रिएक्शन कौन है, या स्लोएस्ट स्टेप कौन सी वाली है, स्लोएस्ट स्टेप वाली कौन है आरडीएस, है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स की रिएक्शन आपकी कौन सी है, जिसमें हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है, हाइड्राइड ट्रांसफर वाली रिएक्शन, राइट। तो यदि आपको इतना चीजें समझ में आने का,
तो अपन लेट अस जस्ट ऑल ऑफ अस गोइंग टू एक्सप्लेन दैट वन हियर, इसका आर्डर क्या होगा, राइट? तो इस रिएक्शंस की मैं आर्डर की बात करता हूँ, चीज़ों को समझिएगा, यदि रिएक्शंस की मैं आर्डर की बात करता हूँ, लेट अस जस्ट ऑल ऑफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वन, है ना? आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द आर्डर ऑफ दिस रिएक्शंस। इस रिएक्शंस की मैं ऑर्डर की बात करता हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, राइट? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, या तो यानी कि इसके लिए हमें किसकी बात करनी पड़ेगी, रिएक्शंस के काइनेटिक्स की बात करनी पड़ेगी, आपके समझ में आता है? तो हम काइनेटिक्स की बात करते हैं, काइनेटिक्स ऑफ दिस रिएक्शंस, काइनेटिक्स की हम बात करते हैं, काइनेटिक्स। तो देखो होता है कि इसके काइनेटिक्स की बात करें तो रेट मेरा क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा के वन कॉन्स्टेंट इंटू एच सी ओ माइनस एच एच, राइट? और ये अपना कन्वर्ट हो जाएगा एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। इतनी चीजें समझ में आ रही कि नहीं? इज दैट क्लियर? होप दैट ऑल ऑफ यू गॉट इट अप टू हियर, राइट? अब हमारा क्या होता है, देखो जो फर्स्ट, ये तो हमारा क्या था, दिस इज अवर आरडीएच वाली स्टेप थी, जो पहली स्टेप थी, जो फर्स्ट स्टेप था वो मेरा क्या था, बड़ा फास्ट था। पहली जो स्टेप थी, यानी कि इसे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्टेप फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट विच स्टेप, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट डियर, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फर्स्ट स्टेप। वेयर इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज दिस वन। ये मेरी रिएक्शन क्या बड़ी फास्ट हो रही होगी, दिस इज अवर वेरी फास्ट, ये पन की क्या बड़ी फास्ट, दिस इज अवर वेरी फास्ट रिएक्शन। तो ये क्या बड़ी फास्ट हो रहा होगा, तो इससे हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम, है ना? इससे मैं इक्विलिब्रियम लिखूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, चीजों को समझिएगा, इससे मैं इक्विलिब्रियम लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना? तो प्रोडक्ट आपका क्या बना था, प्रोडक्ट आपका बना था एच सी, यहां से आप देखिएगा आपका प्रोडक्ट क्या बना था, एक मिनट देखिएगा, फर्स्ट स्टेप में से, फर्स्ट स्टेप में एच सी ओ माइनस एच ओ एच, राइट? ये आपका हो जाएगा एच सी ओ माइनस एच सी ओ माइनस, राइट? यहां से बना था आपका एच सी ओ माइनस एच और एच डिवाइडेड बाई, रिएक्टेंट में आपका क्या था, फॉर्मल्डिहाइड था, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच ओ एच माइनस। तो आप काइनेटिक्स में जानते होंगे, यहां से मैं सॉल्व करूं तो मेरा आ जाएगा बेसिकली क्या, सी एच थ्री ओ माइनस, है ना? या आप चाहो पूरा लिख दो, आपकी इच्छा है, आपको जो भी लिखना, सी एच थ्री ओ माइनस भी से लिख सकते हो, बेसिकली क्या है, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ सी एच थ्री ओ माइनस, ये सी एच थ्री ओ माइनस यही है बेटा। इतनी चीजें समझ में आ रही, सी एच थ्री, नहीं इसमें मैंने कुछ गलत लिखा, नहीं एच सी सी, सॉरी ये ओ एच है, सॉरी ये ओ एच बेटा, ओ एच है, सही करना पड़ेगा, एक मिनट चाहिए, ऑल ऑफ यू हैव टू रिमूव दैट वन डियर, या तो यहां से अपना क्या आ जाएगा, ये जो मैंने लिखा एच सी ओ माइनस एच और ओ एच, राइट? तो ये हमारा इक्वल टू आ क्या आ जाएगा, ये लिखोगे के इक्विलिब्रियम, राइट? एच सी डबल बॉन्ड ओ एच इंटू हाइड्रोक्साइड, राइट? इसकी वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे, इस वैल्यू को भी चेंज करना पड़े, के वन की वैल्यू मैंने क्या लिखी थी, के वन की रिएक्शन, होप दैट ऑल ऑफ अस आर राइट ऑफ योर राइट पे, के वन, के वन स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड इज ओके, एच सी ओ ओ ओ एच माइनस, यहाँ पे भी बेटा सही कर लेना, सॉरी यहाँ पे आप भी सही कर लीजिएगा, एच सी ओ ओ ये ओ एच करके, एच सी ओ ओ ये ओ एच है, सॉरी, है ना? तो ये इसकी वैल्यू मेरी क्या आ गई, ये आ गई, तो इस वैल्यू को उठा के आप यहाँ पे रख देते हो, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख देते हो, तो देखो बेसिकली आएगा क्या, आपका जाएगा रेट इज इक्वल टू, आपका रेट इक्वल टू क्या जाएगा, के इंटू के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एच सी ओ ओ और एच सी ओ ओ, तो स्क्वायर में अपना चला जाएगा एच सी डबल बॉन्डो एच, ये स्क्वायर में आ गया, ये हाइड्रोक्साइड, राइट? तो ऑर्डर इस रिएक्शन से क्या क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज व्हाट, टू प्लस वन, टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, किसी को कोई डाउट, ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, किसी को कोई डाउट है इसमें से तो आप पूछ लीजिए, होप दैट ऑल ऑफ यू गॉट इट, राइट? किसी को कोई डाउट, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वन जस्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हियर सम मोर क्वेश्चंस हियर, है ना? जैसे मैंने इसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लो। आप एक चीज और देखिएगा, हमने जो इस कॉन्सेप्ट की जो हमने बात की थी, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, हमने लिखा था जैसे ये बेंजल्डिहाइड,
हमने लिखा था ये बेंजाल्डिहाइड, राइट। इस पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, इसको हमने रिएक्शन कराया एनएएच, एनएएच से रिएक्शन कराया, तो बनाएगा क्या? आपके समझ में आ रहा है राइट नाउ कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2, राइट। ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH2OH प्लस सी डबल बॉन्ड ओएनए यहाँ, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक नोट लिखिएगा, दैट वन इज मच मोर इम्पॉर्टेंट हियर। हमने आपसे क्या क्या दूसरा रिएक्शन लिखा, देखो हमने लिखा ऐसे CH डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पे हमने लगा दिया OH, राइट। और ये जिसकी रिएक्शन हमने कराई किससे? NaOH से कंसंट्रेटेड। तो एक चीज मुझे बताइएगा, क्या ये प्रोडक्ट बनेगा या नहीं? दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे बताइएगा क्या ये प्रोडक्ट बनेगा या नहीं? आप कहोगे कि नहीं सर बनना तो चाहिए था ये, आप बोलोगे सर ये बनना तो चाहिए था, बट ये नहीं बनेगा। अब क्यों नहीं बनता उसका रीजन बताइएगा। आप बोलोगे बनना चाहिए था, फिर आप सर हुई आर सेइंग दैट वन दैट नॉट, ये नहीं बनेगा। वो तो क्यों नहीं बनेगा? देखो पहली जो रिएक्शन इसकी होगी, देखो है ना, जो पहली रिएक्शन होगी, आप जानते हो फिनाल क्या है? एसिड्स है भाई, OH ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है ना, राइट। तो सबसे पहले मेरा क्या होगा, जो NaOH था ये इससे रिएक्ट करेगा किसमें? एसिड्स और बेस की पहली रिएक्शंस होगी, तो बना क्या देगा ये? ओ एन ए टाइप का, आपके समझ में आता है, ये बना देगा सी डबल बॉन्ड ओ एच ओ माइनस, राइट। इतनी चीजें समझ में आ रही है। इसके बाद जो स्टेप फर्स्ट था, चीजों को समझिएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एन ए ऐसे करके बन गया, ये आपके समझ में आता है ना, ये आपके समझ में आता है। अब देखो इसके बाद क्या होता था, देन न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। न्यूक्लियोफाइल किस पे? न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस पे होता था? न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ एल्डिहाइड पे होता था। कॉन्सेप्ट तो समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बड़ा आसान सा पार्ट है, करना कुछ नहीं इसमें बेटा, बड़ा आसान सा पार्ट है। देखो अब हुआ क्या, आपका कॉन्सेप्ट तो समझिएगा, आपके पास है क्या? राइट, यहाँ पे आप क्या क्या ओ माइनस, राइट। और सब आप जानते हो ओ माइनस का क्या होगा, ओ माइनस का बहुत स्ट्रांग क्या होगा यहाँ पे, ओ माइनस चूंकि इस पे अटैच्ड है, तो आप बोलोगे कैसा इफेक्ट है यहाँ पे? माइनस एम इफेक्ट है, और माइनस एम इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होगा, आपकी समझ में आता है माइनस ए, इसका माइनस माइनस एम इफेक्ट क्या है? माइनस एम इफेक्ट क्या है? बहुत स्ट्रांग है। तो बेसिकली होगा क्या, जो पहली स्टेप्स में ये हमारा न्यूक्लियोफाइल ओ एच माइनस, तो इस पर अटैक करेगा, आपकी समझ में आता है, यहाँ पे अटैक करेगा, राइट। तो देखो कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड आपका यहां से बनेगा सी ओ माइनस, राइट, एच ओ एच, यहां से आपका ओ माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऐसे इस पे पुल कर रहा है ना, ये भी हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऐसे पुल करेगा, आपके समझ में आता है, और ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऐसे, ये भी ऐसे ही पुल करेगा, आपके समझ में आता है, ये भी पुल करेगा। तो देखो होता क्या है, मैं इधर से मैं बात कर रहा हूँ, तो देखो इधर से हमने बात किया, तो इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड मेरा किधर को शिफ्ट होगा, आपके समझ में आता है, इस बॉन्ड को हमने इधर शिफ्ट कराया, चीज़ों को समझिएगा, इस बॉन्ड को हमने इधर शिफ्ट कराया, कराना ही, मेरे पास कोई मजबूरी नहीं है, कोई और तरीका नहीं है। तो हमने लिखा सी ओ माइनस एच, राइट, यहाँ पे लिखा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, राइट। अब हमारा क्या होने वाला है, फिर इस बॉन्ड को मैं ऐसे तोड़ूंगा, है ना, एक चीज देखिएगा यहाँ पे बन के, ये OH यहाँ पे लिखा रहने दीजिएगा, OH पड़ा हुआ था, OH आप पड़ा रहने दीजिएगा, तब तो देखो होता क्या है, सी ओ माइनस एच ओ एच, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये बना लिया इससे बॉन्ड। तब तो हमारा ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ये मॉलिक्यूल आपका क्या हो गया, अनस्टेबल्स हो गया, दिस मॉलिक्यूल विल बी अनस्टेबल, राइट। और जब ये मॉलिक्यूल ही अनस्टेबल्स हो गया, पहली जो मेरी फास्ट रिएक्शन थी, मॉलिक्यूल ही अनस्टेबल्स हो गया, बातें समझ रहे कि नहीं, तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी, फर्दर स्टॉप हो जाएगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इंपॉर्टेंट नोट्स ये है जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी सिस्टम में से, बड़े बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, स्पेशली हम फेनाइल सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बेंजीन वाली की कहानी है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एल्डिहाइड ग्रुप CHO, यहाँ पे ये जो मेरा यहाँ पे जो भी ग्रुप है, यदि ये वाला मेरा ग्रुप यानी कि आर्थो और पैरा की हम बात कर रहे हैं, सॉरी आर्थो और पैरा की, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट आर्थो, या आर्थो वाला ये आएगा या पैरा की बात कर रहे हैं, आर्थो या पैरा पे ओ माइनस है,
एनएच माइनस है या सी एच टू माइनस, यदि ये प्रेजेंट है तो कैनिजारो रिएक्शंस नहीं होगी। क्यों कैनिजारो रिएक्शंस नहीं होगी, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया। क्या मेरी बात समझ पाई कि नहीं, चीजें समझ में आ रही? एक रिएक्शन मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप सबको, होप दैट ऑल ऑफ यू गॉट इट दिस वन। लेट अस जस्ट ऑल ऑफ यू ट्राई टू वन मोर कॉन्सेप्ट हियर, वन मिनट। वन मिनट बेटा, पेज नहीं आ रहा, एक मिनट रुक जाएगा, जस्ट वन मिनट, जस्ट वन मिनट आला को बेटे। एक मिनट बेटा, फर्स्ट यार पेज नहीं आ रहा, रुके रुके, हाई आ गया, सॉरी। तो मैं नेक्स्ट स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखा और एक रिएक्शन, जैसे मैंने लिखा सी सी एल थ्री सी डबल वन, तो ये भी हमारी क्या है, एल्डिहाइड। आपके समझ में आता है एल्डिहाइड है यहाँ पे, हाँ। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, हाँ सर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी समझ में आता है। एल्डिहाइड है, हाँ सर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी समझ में आता है। तो मुझे एक चीज बताएगा, यदि एल्डिहाइड्स है और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, तो क्या ये कैनिजारो रिएक्शंस देगा? सो लेट अस जस्ट ऑल ऑफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, क्या कैनिजारो रिएक्शंस देगा? तो पहली स्टेप मेरा देखिएगा, यदि मैंने हाइड्रोक्साइड साइन यहाँ पे लिया, सर ये एनएएच का मेरा पार्ट था, जो न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा था, मिला कहाँ से एनएएच से, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद बनाएगा क्या ये? यदि मैं अटैक करने के बाद बनाने की आपसे बात करूँ, तो बनाएगा सी सी एल थ्री सी ओ माइनस एच ओ एच। हमने आपसे आपसे बताया था ये क्या है, इसका बहुत स्ट्रांग क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ाएगा, चीजों को समझिएगा, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो ये क्या होने वाला है, ये दूसरे एल्डिहाइड्स मॉलिक्यूल में जो हाइड्राइड शिफ्टिंग होती थी वो ना करा करके ये यहाँ से टूट जाएगा। और ये क्यों टूट जाता है, आप जानते हैं सी सी एल थ्री मेरा क्या है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर्स है, तो कन्वर्ट ये किस में हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच ओ एच, राइट। यानी कि कैनिजारो रिएक्शन फिर नहीं होने वाली है। होप दैट ऑल ऑफ यू गॉट इट दिस वन। सो इफ एनी वन हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट फील फ्री टू आस्क अस हियर, एनी वन हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट फील फ्री टू आस्क अस। होप दैट इसकी मॉलिक्यूलरिटी मेरी क्या रही थी, हाइड्राइड ट्रांसफर्स इज द इम्पॉर्टेंट, हाइड्राइड ट्रांसफर्स इज द इम्पॉर्टेंट हमारा। किसी को चलो क्वेश्चन और हम लेते हैं, जैसे हमने मान लो क्वेश्चन सोल्व लिया, लेट अस जस्ट ऑल ऑफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वन। चलो एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, कैनिजारो का ही पार्ट है, यदि कोई जरूरी नहीं, जैसे हमने दूसरा मॉलिक्यूल लिया, ठीक है हमने दूसरा मॉलिक्यूल लिया, जैसे हमने एल्डिहाइड लगाया सी एच ओ लगाया, दूसरा हमने यहाँ पे क्या लगाया, दूसरा मॉलिक्यूल हमने फिर लिया यहाँ पे सी एच ओ लिया, और यहाँ पे हमने लगा दिया सी एच थ्री। अब यहाँ पे दोनों एल्डिहाइड सेम्स नहीं है, लेकिन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ना इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो बात होती है प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिएगा प्रोडक्ट अब वो बनेगा, जैसे पहली स्टेप मेरी थी, हमने लिखा बेस, जैसे स्टेप फर्स्ट की हम बात कर रहे थे, तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या लिखते थे, हाइड्रोक्साइड आयन मेरा क्या था, अटैक करता था, हाइड्रोक्साइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता था, तो हाइड्रोक्साइड्स आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा जिस मॉलिक्यूल की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो मैं इसमें और इसकी बात करें, हमने ए और एल्डिहाइड और बी एल्डिहाइड की बात करें, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, सर न्यूक्लियोफिलिसिटी फर्स्ट वाले की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इस पे जैसे ही इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पॉजिटिव चार्ज को सी एस थ्री अपना क्या है, प्लस एम इफेक्ट के द्वारा उसे क्या करेगा, प्लस एम इफेक्ट बोलोगे, ठीक है ना, प्लस एम क्या आप बोलोगे इस पे, प्लस एच इफेक्ट के थ्रू, हाँ, तो प्लस एच इफेक्ट के थ्रू क्या करेगा, उसे उसे कम कर देगा, तो पहले पे अटैक करेगा, तो पहले। और एक चीज आप देखिएगा, पहले पे अटैक करेगा, तो जैसे हमने लिखा सी एच ओ, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, यहाँ पे हमारा क्या है, ये ओ एच माइनस अटैक, ओ एच माइनस काम करेगा कैसे एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो यदि ये ओ एच माइनस हमारा काम कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल, लेट अस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वन डियर, राइट। तो यहाँ पे ये अटैक करेगा तो बनेगा क्या, अब आपके यहाँ पे बड़े अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ये हमने बनाया ओ माइनस एच और ओ एच, राइट। ये मेरा रहा फर्स्ट स्टेप रहा, ये मेरी स्टेप फर्स्ट रही, तो स्टेप फर्स्ट में अब जो हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, हाइड्राइड शिफ्टिंग किसकी होगी, इसी की ही शिफ्टिंग होगी दूसरे पे, चीजों को समझिएगा, सी ओ माइनस एच और ओ एच, और ये शिफ्टिंग होगी मेरे दूसरे मॉलिक्यूल पे। यानी कि कहने का मतलब क्या रहा, चीजों को समझिएगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग आप समझिएगा ये होता क्या है, चीजों को समझिएगा, ये हाइड्राइड यहाँ से शिफ्ट हो रहा होगा यहाँ पे, ये शायद आप सबकी समझ में आ रही। तो कहने का मतलब ये है कि वो एल्डिहाइड
वो एल्डिहाइड्स जो मेरा जिस पे हमारा या जो हमारा काम कर रहा था ऐसे एज ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर या जिस पे अटैक हो रहा था उसका क्या बनेगा साल्ट, उसका क्या बनेगा साल्ट, और जिस पर हाइड्राइड शिफ्टिंग होके जा रहा है उसका क्या बनेगा एल्कोहल। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये हमारे पास ये है, इंपॉर्टेंट हमारे पास ये निकल के आया कि कार्बोक्सिलिक एसिड से, जो कुछ समझिएगा, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड किसका बनेगा। हाँ, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड किसका बनेगा, मैं पूछूं साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स किस पर बनेगा, उस पर बनेगा जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इन बिच न्यूक्लियोफाइल अटैक। क्या इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं। और उसके अलावा जो दूसरा वाला होगा एन अनादर वन विल वर्क एज व्हाट, सॉरी अनादर वन का क्या बनेगा, जैसे दूसरा अनादर वन का क्या बनेगा, अनादर वन का बनेगा एल्कोहल। जैसे देखो इस पे अटैक हो रहा था यानी कि ये ऐसे काम कर रहा था न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ये वाली एल्डिहाइड ये किस में कन्वर्ट हुई, ये कन्वर्ट हुआ आपका किस में, ये कन्वर्ट हुआ आपका, दिस विल बी कन्वर्टेड इंटू व्हाट, दिस विल बी कन्वर्टेड इंटू साल्ट, और ये अपना किस में कन्वर्ट हुआ एसिड्स, ओ सॉरी एल्कोहल में। तो चीजें समझ में आई, किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे बताइएगा। एक क्वेश्चन सोल्व लेते हैं, एंड आफ्टर दैट वन जस्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हियर, एंड जस्ट आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर आफ्टर दैट वन। जैसे हमने एक रिएक्शन ऐसे लिखा, मुझे बताइएगा, हमने लिखा यहाँ पे CH2 CHO, और ये हमने लिखा है NO2 यहाँ पे, दूसरा हमने लिखा दोनों में हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिएगा दोनों पे हमारे पास क्या है, दोनों की हम बात करें, दोनों के पास हमारे पास क्या है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हम बात करते हैं कि किस कौन सा मेरा साल्ट में कन्वर्ट होगा। तो साल्ट में वो मेरा कन्वर्ट होगा जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो किस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जिसका जिस जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो किसकी होगी, यहाँ पे देखो विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, यानी कि ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। चीजों को समझिए, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, सो होप दैट ऑल ऑफ यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वन। ये अपना कन्वर्ट हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ एन एन ओ टू, और ये अपना कन्वर्ट हो जाएगा CH2 OH। समझ में आया, यानी कि जिस पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो एल्डिहाइड्स द एल्डिहाइड्स विच वर्क एज द एल्डिहाइड बिच वर्क एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बिल कन्वर्टेड इंटू कन्वर्टेड इंटू साल्ट ऑफ इट्स एसिड्स, है ना, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एसिड्स है ना एसिड, वो साल्ट में कन्वर्ट कन्वर्टेड इंटू द साल्ट एंड अनादर वन इन टू एल्कोहल। सो होप दैट ऑल ऑफ यू इंजॉयड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कैनिजारोस मैकेनिज्म एंड दिस कैनिजारोस रिएक्शंस। सो हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट है ना टू लिसनिंग टू अस, शो केयरफुली, थैंक्स अ लॉट डियर।